हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल इवनिंग में आरजीपीबी ने बीटेक 8th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का, साथ साथ ईएक्स 7th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का रिजल्ट रिलीज कर दिया था। इसके बाद आई होप आप सभी ने रिजल्ट वगैरह चेक कर लिया होगा। लेकिन दोस्तों, रिजल्ट चेक करने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट रेगुलरली कमेंट कर रहे हैं, उनके कुछ डाउट्स आ रहे हैं कि मैं तो अच्छा खासा लिख कर आया था, फिर भी आरजीपीबी ने 8th सेमेस्टर में बैकलॉग दे दी। साथ साथ दोस्तों, कुछ कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा है, और जिनका कल शाम को रिजल्ट ओपन हुआ था, उनका 1 से 2 घंटे बाद जब उन्होंने फिर से देखा कि उनका रिजल्ट ओपन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो यार उनका फिर से रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा है, इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड दिखा रहा है। ये समस्या दोस्तों ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को देखने मिल रही है। आप भी अपना रिजल्ट देख लें, जो कि यार कल तो आरजीपीबी ने रिलीज़ कर दिया था, लेकिन उसी के 1 घंटे बाद रिजल्ट नॉट फाउंड आ रहा है सेम इनरोलमेंट नंबर पर। तो दोस्तों, अपना रिजल्ट चेक करते रहें, हो सकता है रिजल्ट में कुछ अपडेट हो। हालांकि कोई चांसेस तो नहीं है कि अपडेट हो, लेकिन दोस्तों कम से कम आरजीपीबी 10 से 15 दिन तक पोर्टल पर रिजल्ट रखता है, जिससे कि दोस्तों स्टूडेंट कोई दिक्कत ना जाए। तो दोस्तों, आपका रिजल्ट हो सकता है अपडेट हो, चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन यार इनरोलमेंट नंबर नोट फाउंड दिखा रहा है, मतलब इसका यही है कि रिजल्ट में कुछ करेक्शन के लिए बचा है, इसलिए रिजल्ट अब शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोग कोई दिक्कत ना करें, कोई टेंशन ना लें, जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको अपडेट दूंगा। हालांकि दोस्तों, जो आपका मेन रिजल्ट था, जो आपने कल देखा था, वही आपका एज इट इज़ रहेगा। बाकी दोस्तों, जब दोबारा अपडेट होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों, आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू ऑल।